हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा मैंने आपको दो दिन पहले बोला था कि मोस्ट एक्सपेक्टेड नीट 2024 के लिए मैं क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊँगा। एक्सक्लूसिवली ये वो क्वेश्चंस होंगे जो इस बात का बूस्टअप आपको देंगे, इस बात का एश्योरेंस आपको देंगे, इस बात की आपको गारंटी देंगे कि अगर इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को, इन क्वेश्चंस को पढ़ लिया आपने और इनके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया, तो इस बात की गारंटी है कि आप यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई कॉन्फिडेंस फील करोगे। एंड ये एक्सपेक्टेड है कि सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आपको नीट 2024 में मिलने वाले हैं। अब मैंने इन क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए क्या किया, फ्रॉम द डे जब मैंने आपको ये कमिटमेंट दिया था और जब मैंने ये प्लान किया था कि मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, तो उस दिन से लेकर अब तक मैंने डे एंड नाइट काम किया, मैंने मेहनत किया। और मैंने मेहनत करके किस तरह से आपके क्वेश्चंस डेवलप किए, फर्स्ट तो मैंने लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया जो आपका PYQ है। उन क्वेश्चंस को मैंने जब देखना शुरू किया तो मैंने हर एक क्वेश्चन को NCERT के पेज नंबर के साथ कोरिलेट करना शुरू कर दिया कि दिस क्वेश्चन ऑफ नीट फ्रॉम दिस ईयर हाउ इट इज रिलेटेड टू द NCERT, वेदर इट इज रिलेटेड डायरेक्टली और इट इज रिलेटेड इनडायरेक्टली, देन फ्रॉम विच पेज नंबर ऑफ NCERT दिस क्वेश्चन हैज बीन डिराइव्ड। फिर मैंने उसके 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को जब मैंने प्रॉपरली एक्सप्लोर किया, तब जाके मैंने ये कंक्लूड किया कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बिकॉज एज यू नो कि क्वेश्चंस तो रिपीट नहीं होते हैं बट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे रिपीट हो रहे थे, मैंने उन कॉन्सेप्ट्स की एक लिस्ट बनाई। उन कॉन्सेप्ट्स की जब मैंने लिस्ट बनाया तो मैं फाइनली ये कंक्लूड कर चुका था कि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर इन कॉन्सेप्ट्स को बच्चे को बता दिया जाए तो बिल्कुल ही उसका कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा और वो नीट के इस एग्जामिनेशन में, 2024 के एग्जामिनेशन में बिल्कुल फोड़ देगा। देन मैंने एक और एनालिसिस किया कि पोस्ट कोविड जो पैटर्न ऑफ नीट है वो बिल्कुल अलग है एंड बिफोर कोविड जो पैटर्न ऑफ नीट था वो बिल्कुल अलग था। थर्ड पॉइंट जो मैंने यहाँ पे ऐड किया, मैंने आपके रिसेंट सिलेबस को देखा कि यहाँ पे कुछ सिलेबस में डिलीशन हो चुका है, कुछ चैप्टर्स डिलीट हुए हैं एंड कुछ चैप्टर्स के टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। अब मेरे लिए ये जज करना सबसे ज्यादा जरूरी था कि दोज चैप्टर्स हु हैज ऑलरेडी बीन डिलीटेड कि उसके क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए एंड दोज टॉपिक्स फ्रॉम एनी चैप्टर ऑफ बॉटनी जो डिलीट हुआ है क्या वो एक्सपेक्टेड है कि उस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। अगर ये एक्सपेक्टेड है तो क्या इसका प्रूफ है। फिर मैंने थोड़ा और एनालिसिस किया, मैंने JEE के डिफरेंट बच्चों से बात किया, फिर बच्चों ने मुझे बताया कि नहीं, डिलीटेड टॉपिक से उनको जनवरी फेज में ही क्वेश्चन पूछा गया था और अप्रैल फेज में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इट मीन्स कि हम डिलीटेड टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एंड फाइनली मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया कि इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर अगर मैं आपके सामने आता हूं, जैसा कि पैटर्न रहा है नीट का पोस्ट कोविड, उसके बाद जाके मैं आपके लिए ये 50 क्वेश्चंस डेवलप करके ले आया एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन दोज 50 क्वेश्चंस। अब मैं आपको यहां पे एक बात बिल्कुल ही क्लियर बताना चाहता हूं कि आपका वर्क क्या है। फ्रॉम दिस डे इट इज 2nd of May एंड यू हैव एग्जामिनेशन ऑन 5th of May। अभी 5 तारीख को तो आप पढ़ने वाले हो नहीं, 4 की रात को आप पढ़ना बंद कर दोगे, तो 3 और 4 दो दिन में आपको एक एक कॉन्सेप्ट NCERT का, मैंने यहाँ पे सोल्यूशन में पेज नंबर दिया हुआ है, उस पेज नंबर पे जाके NCERT का आपको प्रॉपर सोल्यूशन देखना है, उसके पैराग्राफ को पढ़ना है, उसकी पूरी रीडिंग करनी है जहां से ये क्वेश्चन पुटअप किया है एंड ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द कॉन्सेप्ट। वो पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप अपने आप समझ लेते हो या विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, तो आपका पूरा सिलेबस ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो देर किस बात की, हम यहाँ पे डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। लेट्स हैव अ डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको ये बता रहा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने एक प्लांट एनाटॉमी का क्वेश्चन उठाया, मैंने देखा कि 2022 में यहां से प्लांट एनाटॉमी से क्वेश्चन आया था। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वैस्कुलर बंडल्स, वैस्कुलर बंडल्स के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा है एंड टू फाइंड आउट द करेक्ट वन।
अब यहां पे इस पेपर में देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स आपको बार बार रिपीट होते हुए मिलेंगे एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट करेक्ट सेट ऑफ द स्टेटमेंट्स, या फिर रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेट ऑफ द स्टेटमेंट्स, मतलब करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स के बेसिस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो सबसे मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं नीट के। असर्शन एंड रीजन मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता, असर्शन एंड रीजन में वन एंड टू के बीच में आंसर बनाना मुश्किल होता है। सबसे मुश्किल क्वेश्चन होता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि वो मल्टीपल लोकेशंस में एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्ट किया होता है, आपके सामने एग्जैक्टली रखा होता है एंड आपको सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर ए है, द वास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स टिश्यू व्हिच फ्लोएम एंड जाइलम अलोंग विद द बार्क। ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा पढ़ना है आपको। आपको यहाँ पे सबसे पहला इंफॉर्मेशन मिलता है कि कोई भी स्टेटमेंट पढ़ोगे तो पढ़ते ही जजमेंट नहीं ले लोगे। अगर आपने ये स्टेटमेंट आधा अधूरा पढ़ा तो आपको लगेगा कि ठीक है, बिल्कुल जाइलम एंड फ्लोएम की बात हो रही है, बट लास्ट में जाके यहां पे इसने लिख दिया है बार्क, एंड वी नो दैट बार्क इज नॉट द पार्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इट मींस कि ये जो स्टेटमेंट ए है वो इनकरेक्ट है। नाउ इन अ डाइकॉट स्टेम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम एंड सच वैस्कुलर बंडल्स आर कॉल्ड एज क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स। अगेन मैंने आपको ट्रिक यहां पे दिया है, लास्ट में जाके मैं आपको वहां पे घेरना शुरू कर दे रहा हूं जहां पे आप पढ़ना छोड़ देते हो। एंड आपको पता है कि अगर स्टेम में जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, सो दैट कैम्बियम इज बिकॉज ऑफ दैट कैम्बियम द वैस्कुलर बंडल इज ओपन, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब सी पढ़ते हैं कि व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम विद इन अ वैस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन एन अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियस और द रेडाई, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज रेडियल वैस्कुलर बंडल एंड सच एज अरेंजमेंट इज फाउंड इन द रूट्स। बिल्कुल करेक्ट है। 2022 में जब क्वेश्चन ये आया था तो प्रॉपर एनसीईआरटी का ये स्टेटमेंट उठा के क्वेश्चन पूछा था एनटीए ने, बट एनटीए ने ही आंसर की गड़बड़ कर दिया था, उसने आंसर की में इस स्टेटमेंट को गलत मान लिया था। अब यहां पे आपके मन में आएगा कि जब एनटीए खुद इस स्टेटमेंट को गलत मान रहा है तो वाई नॉट हम भी उसको गलत ही माने, हम उसको क्यों करेक्ट मानने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम एनसीईआरटी रीड करते हैं और एनसीईआरटी हमारी लिख रही है कि ये रेडियल वैस्कुलर बंडल कहलाता है, रूट में पाया जाता है, तो हमें वही फॉलो करना है। अगर एनटीए ने एक बार इसको डिस्कार्ड किया है तो जरूरी नहीं कि दोबारा से डिस्कार्ड कर देगा। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन कंजॉइंट टाइप ऑफ द वैस्कुलर बंडल द जाइलम एंड फ्लोएम आर ज्वाइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस ऑफ द वैस्कुलर बंडल्स। बिल्कुल सही है। जब अगर आप कंजॉइंट टाइप ऑफ द वैस्कुलर बंडल देखोगे तो कंजॉइंट का मतलब ही होता है कि जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस। लेकिन जब आप रेडियल टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल देखते हो तो इसका मतलब ही होता है कि जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट रेडियस। तो स्टेटमेंट डी इज ऑल्सो करेक्ट। यहां पे आपने देखा कि ओनली सी एंड डी आर करेक्ट। इट मींस कि द आंसर इज डी, ओनली सी एंड डी आर करेक्ट। कहां से उठाया हुआ क्वेश्चन है? तो मैंने ओल्ड एनसीईआरटी लिया एंड ओल्ड एनसीईआरटी के पेज नंबर 90 फ्रॉम द क्लास 11th, वहां से उठाया हुआ क्वेश्चन है। अब आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 90 पे जाना है और वहां पे प्रॉपरली इस पूरे के पूरे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है अलॉन्ग विद द डायग्राम, उसको पूरी अच्छी तरह से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपके मन में ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अगर उस कॉन्सेप्ट से, उस लाइन से, उस पैराग्राफ से, उस पेज नंबर ऑफ एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल सर्टेन होंगे कि आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में अगर हम आते हैं तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, और यहां पे हमें सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेम मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स। दैट इज की प्लांट मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है। इनफैक्ट मॉर्फोलॉजी में न्यू फैमिलीज को ऐड किया हुआ है। हम यहाँ पे न्यू फैमिलीज की बात नहीं कर रहे हैं, अभी मैंने बेस ऑफ द मॉर्फोलॉजी की बात किया है, स्टेम की बात किया है। ना तो फैमिली कंपोजिटी, ना ही पोएसी, और ना ही हमने ब्रासिकेसी को डिस्कस किया, ना ही हमने मालवेसी को डिस्कस किया, उसके लिए कभी हम और डिस्कस करेंगे फिलहाल। ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट नंबर वन है कि अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ द पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जमीन कर्न, कोलोकेजिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देयर रूट्स। अब आपने देखा कि पहले इसने लिखा है कि अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, इट मींस कि अंडरग्राउंड स्टेम है,
लेकिन जब ये मॉडिफाई करते हैं, स्टेम मॉडिफाई करता है, तो अपना फूड भी वो स्टेम में ही स्टोर करेगा, रूट में स्टोर नहीं करेगा। इट मींस कि दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनफैक्ट अगर आप यहां पे देखोगे तो क्या ये सारे एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी के हैं? यस, ये सारे एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी के हैं। सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं, एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई इनटू टेंड्रिल्स एज फाउंड इन द गार्ड्स, लाइक क्यूकम्बर यहाँ पे लिखा हुआ है, पम्पकिन, वाटरमेलन, ये तीनों नाम हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एंड ग्रेप वाइन्स, दे हेल्प इन क्लाइंबिंग, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एक्सिलरी बर्ड्स में ऑल्सो गेट मॉडिफाई इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स एज इन द केस ऑफ सिट्रस एंड बोगेनविला, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। एंड सम प्लांट्स ऑफ द एरिड रीजन्स मॉडिफाइड देयर लीव्स इनटू द फ्लैटेन्ड स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल इज अपनसिया एंड फ्लेसी स्ट्रक्चर, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल इज यूफोबिया। बट इज रॉन्ग दैट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में बात की गई है लीव्स की। आपको पता है कि फ्लैटेंड स्टेम मॉडिफिकेशन अपनसिया की पहचान है, जो ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक हो जाता है, एंड सिलिंड्रिकल एज वेल एज फ्लेसी स्टेम मॉडिफिकेशन यूफोर्बिया की पहचान है, जो ग्रीन हो जाता है टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये दोनों ही प्लांट्स कैक्टस हैं, जेरोफिटिक एडेप्टेशन में पाए जाते हैं, कैम्प प्लांट्स हैं, इनमें कैम्प पाथवे पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा हो गया गलत। अब अगर हम देखेंगे तो ओनली सेकेंड एंड थर्ड आर गोइंग टू बी करेक्ट। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस में आंसर ए बन रहा है, दैट इज ओनली टू एंड थ्री आर करेक्ट। ओल्ड एनसीईआरटी के पेज नंबर 68 और 69 से उठाया हुआ यह क्वेश्चन है। अब मैंने यहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी क्यों उठाया, क्योंकि मैं आपको ये इंश्योर कर दूं कि जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, किसी भी चैप्टर का अगर टॉपिक डिलीट हुआ है तो इट इज एक्सपेक्टेड कि वहां से क्वेश्चंस आएंगे, और अगर वहां से क्वेश्चंस आ गए और आपने ये कॉन्फिडेंस में उन टॉपिक्स को छोड़ रखा है कि अभी इससे मुझे क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, तो आपके अगर दो क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो यू विल बी लूजिंग इधर 8 और 10 मार्क्स। अगर छोड़ दोगे तो 8 मार्क्स का लॉस होगा, और अगर लालच में अटेम्प्ट कर दोगे, कॉन्फिडेंस में अटेम्प्ट कर दोगे, गलत हो जाएगा तो 10 मार्क्स का लॉस हो जाएगा। मैंने वहां से भी क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ है, एंड दैट इज वाई यहां पे मैं ओल्ड एनसीईआरटी का रेफरेंस दे रहा हूं। नेक्स्ट वन है कि क्वेश्चन नंबर 3, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट कि क्रोमोसोम साइनाप्सिस इज अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड एज साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के पहले, विद द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, हमें यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको हम साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अगर क्रोमोसोम्स को आप लाइट माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा सिर्फ और सिर्फ एक बायवेलेंट दिखाई देगा, बट नहीं दिखेगा यहाँ पे साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर आपने माइक्रोस्कोपी चेंज कर दिया और आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की तरफ चले गए तो प्रॉपर आपको यहां पे दिखाई देगा साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द स्टेज फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस। कौन से स्टेज में साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है? आपके माइंड में आंसर ऑलरेडी आ चुका होगा, क्या लेप्टोटीन है, क्या जाइगोटीन है, क्या पकाइटीन है, क्या ये डिप्लोटीन है। तो यू मस्ट रिमेम्बर कि लैप्टोटीन वो पहला स्टेज है जहां पे कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट होता है, जो थ्रू आउट दिस स्टेज रन करता है। उसके बाद होमोलोगस पेयरिंग या साइनाप्सिस स्टार्ट होती है जाइगोटीन में, एंड जाइगोटीन में जब तक साइनाप्सिस स्टार्ट नहीं होगी बायवेलेंट्स नहीं बनेंगे, एंड जब तक बायवेलेंट्स नहीं बनेंगे तब तक आपके यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाई नहीं देगा। तो आपका आंसर बनता है यहाँ पे जाइगोटीन, द आंसर इज बी, एंड रेफरेंस इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, इसका रेफरेंस मैंने दे दिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू चूज द इनकरेक्ट वंस। तो सबसे पहले आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको अंडरलाइन कर लेना है कि वो करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है।
आपको अंडरलाइन करना ही करना है, छोड़ना नहीं है, ताकि बार बार आपका ध्यान जाएगा कि वो पूछ क्या रहा है और जो मैं पढ़ रहा हूं उसके रेस्पेक्ट में वो सही है या नहीं है, माइंड में मत रखना। तो अब ये बोल रहा है कि इनकरेक्ट बताओ, द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज मेडअप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, बिल्कुल करेक्ट है। वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाई द सुगर एंड फॉस्फेट, करेक्ट है। एंड द बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, बिल्कुल करेक्ट है, हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्मिंग अ बेस पेयर्स, करेक्ट है। एज अ रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरीन कम्स अपोजिट टू अ प्यूरीन एज वेल एज पाइरिमिडीन ऑल्सो कम्स अपोजिट टू अ पाइरिमिडीन। दिस जेनरेट्स अप्रॉक्सिमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द हेलिक्स। अब आपको क्लियर तो हो ही गया होगा कि ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज कि डीएनए डबल स्ट्रैंड में डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, बट दिस पैरेलल इज नॉट सेम, ये सिमिलर पैरेलल नहीं होते, बल्कि ये क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, अपोजिट पैरेलल होते हैं। दोनों ही स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए के बीच का जो डायमीटर होता है वो कॉन्स्टेंट है, बिकॉज ऑफ द बेस पेयरिंग बिटवीन द प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स की दो रिंग्स होती हैं, पायरिमिडिन की एक रिंग होती है। जब भी पेयरिंग होगी प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स के बीच में होगी, एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट डायमीटर आता है, जो हमें एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्टडी में जाके बताया था मॉरिस विल्किंस एंड रॉसलिंड फ्रैंकलिन ने। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये प्यूरिन टू प्यूरिन की बात कर रहा है। अगर ऐसी पेयरिंग होती है प्यूरिन टू प्यूरिन, तो वो कांस्टेंट डायमीटर नहीं रह जाएगा। तीसरा पढ़ते हैं, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन द डबल हेलिक्स एंड दिस ओनली कन्फर्स स्टेबिलिटी टू द हेलिकल स्ट्रक्चर। अगर मैं बोलूं कि आपकी रीडिंग एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि दिस नॉट ओनली इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिस कॉन्फर्स या ये स्टैब्लिश करता है स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए हेलिक्स को। नॉट ओनली द स्टैकिंग ऑफ बेस पेयर्स वन ओवर अदर, नॉट ओनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बल्कि दोनों मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एंड स्टैकिंग ऑफ द बेस पेयर्स दोनों मिलके इस बात को कंफर्म करते हैं कि डीएनए की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। The proposition about the double helical structure of DNA and its simplicity in explaining the genetic implication become revolutionary. अब यहां पे लिखा हुआ है कि ये जो प्रोसेस है, इसमें से अगर देखेंगे तो इसका DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का प्रपोज करना और इसका एक्सप्लेन करना, ये रेवोल्यूशनरी हुआ था। बिल्कुल हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम DNA टू RNA एंड RNA टू प्रोटीन बट नॉट इन अ बाई डायरेक्शनल वे। तो वन अब तक आपको मिला था करेक्ट, उसके बाद मिला था फोर्थ करेक्ट, एंड हम देखते हैं कि आपका जो आंसर है वो है 2, 3 and 5 ओनली, मतलब 1 and 4 को मैंने छोड़ दिया। तो 2, 3 and 5 स्टेटमेंट अभी हमने देखा नहीं, 5 यहाँ पे हमें देखना है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, ये भी गलत है, क्योंकि दिस इज नॉट अ फ्लो इन बाई डायरेक्शनल वे, इट इज अ फ्लो इन यूनिडायरेक्शनल वे, सो दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। योर आंसर इज गोइंग टू बी बी, ये जो 2, 3 and 5 हैं तीनों ही इनकरेक्ट हो जा रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। स्टेटमेंट वन क्या कहता है, स्टेटमेंट वन कहता है कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन द C4 प्लांट्स इज फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, करेक्ट है। 3 कार्बन का कंपाउंड होता है एंड इट इज फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स, यस दिस वन इज करेक्ट। स्टेटमेंट टू कहता है कि मेजोफिल सेल्स ऑफ द C3 प्लांट्स लैक रुबिस्को एंजाइम। आपको पता है कि जो मेजोफिल सेल्स ऑफ द C4 प्लांट्स होते हैं वहां रुबिस्को एंजाइम एब्सेंट होता है, बट हमारा जो C3 प्लांट है वहां पे मेजोफिल सेल्स में ही रुबिस्को पाया जाता है, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपका आंसर क्या बन रहा है, बोथ स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट द स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट, दैट्स ऑल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन से रिलेटेड जो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आप बताओगे. लेट्स डिस्कस. पॉलन ग्रेन्स कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा इज द चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन. करेक्ट है. टू कॉम्पनसेट फॉर दीज अनसर्टेनिटीज फ्लावर्स प्रोड्यूसेस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ द पॉलन. बिल्कुल करेक्ट है. यहाँ पे इस अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए इनॉर्मस अमाउंट में पॉलन प्रोड्यूस किया जाता है. ऑप्शन नंबर बी देखें कि इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोजेस द एंथर्स एंड द स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर. यस, हमारी एनसीईआरटी में जब ऑटोगैमी को एक्सप्लेन किया है तो ऑटोगैमी की जो शुरू की दो लाइन है वहीं पे बताया हुआ है कि अगर ऐसा फ्लावर है जो बायसेक्सुअल है और वो ओपन है, कैजमोगैमस है, अपने दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स को अगर वो एक्सपोज करता है तो उसमें कंप्लीट ऑटोगैमी काफी ड्रॉप कर जाएगी, रेदर रेयर हो जाएगी, क्योंकि वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बन जाएंगे. इफ दैट प्लांट और द फ्लावर स्टिल ट्राई टू अचीव ऑटोगैमी तो उसको दोनों सेक्स ऑर्गन्स को बिल्कुल क्लोज रखना पड़ेगा. देयर शुड बी अ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन एंथर डेहिसेंस एंड स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी जो होती है वो एक साथ होनी चाहिए एंड दोनों में जो डेवलपमेंट है वो एक साथ होना चाहिए. सो सच फ्लावर्स रिक्वायर सिंक्रोनी इन द पॉलन रिलीज. बिल्कुल, एंथर का डेहिसेंस एंड द स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, तब जाके दोनों में सेल पॉलिनेशन होगा. दैट स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट है यहाँ पे कि इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल. क्लिस्टोगैमस फ्लावर कभी ओपन नहीं होते हैं. ऑल द एंथर्स एंड स्टिग्मा लाइ क्लोज टू ईच अदर. बिल्कुल सही है कि वो फ्लावर क्या होने चाहिए, अगर कोई फ्लावर क्लिस्टोगैमस है सो दैट फ्लावर शुड बी, उस फ्लावर को क्या होना चाहिए, उसको बायसेक्सुअल ही होना चाहिए. अगर वो फ्लावर बायसेक्सुअल नहीं होगा तो उस फ्लावर में क्या नहीं होगा, उस फ्लावर में ऑटोगैमी नहीं होगी. व्हेन एंथर डेहिसेस इन सच अ फ्लोरल बर्ड्स, क्या उस फ्लावर में जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है वहां पे भी बर्ड पॉलिनेशन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है बर्ड पॉलिनेशन की. व्हेन एंथर डेहिस इन सच अ फ्लोरल बर्ड पॉलिंग ग्रेन्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा टू इफेक्ट पॉलिनेशन. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है वो किस कंडीशन में होता है, बर्ड कंडीशन में होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. गिटोनोगैमी इज फंक्शनली अ सेल पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट एंड जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू द ऑटोगैमी सिंस द पॉलिंग ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट. यस, जेनेटिकली इट इज द ऑटोगैमी, बट फंक्शनली ये सेल पॉलिनेशन नहीं है बिकॉज इसमें लिखा हुआ है कि इट इन्वॉल्व्स पॉलिनेटिंग एजेंट. ये पॉलिनेटिंग एजेंट को इन्वॉल्व करता है. सो दिस इज नॉट फंक्शनली सेल्फ पॉलिनेशन, ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ये स्टेटमेंट यहां पे क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट. नेक्स्ट यहां पे हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो टेक्निक है उससे रिलेटेड यहां पे क्या नहीं है. सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स. बिल्कुल सही है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं. दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड द कैथोड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मैट्रिक्स. यस, बिल्कुल करेक्ट बात बोला अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे डीएनए के ऊपर क्योंकि वो चार्ज होता है, पॉलीमर है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रिस्पॉन्स करेगा लाइक प्रोटीन एंड आरएनए, बट वो कैथोड की तरफ मूव नहीं करेगा बिकॉज इसके ऊपर खुद नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्यों जाएगा. इट विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स एनोड इन अ मैट्रिक्स. ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे है ये अगैरोज जेल है. अगैरोज जेल में हम डीएनए के पॉलीमर्स को इजीली मूव करा पाते हैं बिकॉज डीएनए का मॉलिकुलर वेट बहुत ज्यादा होता है और अगार अगार से जो अगैरोज बनाया जाता है
उसके जेल में हम इजीली इसको मूव करा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ए गलत हो गया। द डीएनए फ्रैगमेंट्स सेपरेट और यू कैन से कि रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू द सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द अगैरो जेल। बिल्कुल सही है कि जो डीएनए का फ्रैगमेंट होता है वो इस बेसिस पे मूव करता है कि वहां पे जो पोर्स की साइज होगी उसके अंदर से वो निकल जाए। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद अ कंपाउंड नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू द यूवी रेडिएशन। यस, अगर आपके डीएनए को आप जेल में ही देखना चाहते हो तो डीएनए को स्टेन करना पड़ेगा। एक फ्लोरिसेंट डाई यहाँ पे हम यूज करेंगे जिसका नाम है, इस डाई का नाम क्या हो गया, इथिडियम ब्रोमाइड हो गया। एंड ये डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे बने हैं, उसमें जाके इंट्रोकैलेट कर जाता है एंड यूवी रेडिएशन के लाइट में ये ग्लो करता है। देन वी कैन यूज द गॉगल एंड वी कैन सी बट नॉट थ्रू द नेकेड आई। ऑप्शन नंबर डी है कि सेपरेटेड बैंड्स ऑफ द डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द गैरो जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, दिस इज नोन एज इल्यूशन। बिल्कुल आपके बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि कटआउट करके अगर हम उनको सेपरेट करते हैं तो उसको इल्यूशन बोला जाएगा। द आंसर इज ए। यहाँ पे इसने बोला है कि नॉट ट्रू, तो स्टेटमेंट नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट। और अगर मैं यहाँ पे देखूं क्वेश्चन नंबर एट, तो क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है। यहाँ पे हमने देखा क्वेश्चन नंबर एट कि विच स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग कम्युनिटीज विथ मोर स्पीसीज, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में आपको अगर चैप्टर को याद करोगे तो इम्पोर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी में दो साइंटिस्ट का नाम आया है, पॉल एहरलिक जिनकी रिबिट पॉपर हाइपोथेसिस है, जिन्होंने इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंस ऑफ कीस्टोन स्पीसीज के बारे में बताया था। एंड पॉल एहरलिक के बाद यहाँ पे नाम दिया हुआ है एक दूसरे साइंटिस्ट का जिसका नाम है डेविड टिलमान। डेविड टिलमान ने इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, कितना डाइवर्स आपका इकोसिस्टम है, उसकी कम्युनिटी कितना ज्यादा डाइवर्स है, इस बात पर इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी। तो डेविड टिलमान के आउटडोर प्लॉट एक्सपेरिमेंट्स हमें ये बात कंफर्म कर देते हैं कि व्हाट इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर वन है कि जनरली कम्युनिटीज विद मोर स्पीसीज टेंड टू बिकम मोर स्टेबल देन दोज विद द फीवर स्पीसीज। सही है, मोर स्पीसीज विद लीड्स टू मोर प्रोडक्टिविटी, लेस वेरिएशन सीजन टू सीजन या ईयर टू ईयर, लेस वेरिएशन इन द प्रोडक्टिविटी, तो उससे स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम बढ़ता है। अगर डाइवर्सिटी बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये तीनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल या आप ऐसा कहो कि साइमल्टेनियस रन करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी होती है। इफ डाइवर्सिटी ऑफ इंक्रीज स्पीसीज विल इंक्रीज, इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्टिविटी ऑफ द कम्युनिटीज। और अगर कम्युनिटी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी भी कम्युनिटी की बढ़ जाती है। बट प्रोडक्टिविटी का बढ़ना इज नॉट ऑलवेज श्योर कि वहां पे डाइवर्सिटी भी बढ़ जाएगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये करेक्ट है, अ स्टेबल कम्युनिटी शुड शो टू मच वेरिएशन इन द प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, गलत है ये। अभी मैंने बोला कि एक स्टेबल कम्युनिटी की पहचान है कि उसकी डाइवर्सिटी ज्यादा है, लेस वेरिएशन है ईयर टू ईयर या सीजन टू सीजन उसके प्रोडक्टिविटी में, तो इट शुड नॉट शो मच वेरिएशन इन द प्रोडक्टिविटी, इट शो very less variation in the productivity year to year, तो ये गलत हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि stable community must be resistant or resilient to the occasional disturbances whether natural or man-made, बिल्कुल एक stable community वो है जो या तो resistant है और नहीं तो resilient है। Mostly it is expected कि कोई भी ecosystem की जो community होती है वो resistant होना चाहिए, या तो वो natural disasters के लिए या फिर वो man-made किसी भी तरह के हिंड्रेंस के लिए रेजिस्टेंट होना चाहिए ताकि उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन है कि अ स्टेबल कम्युनिटी मस्ट आल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय द एलियन स्पीसीज, बिल्कुल सही है, एलियन स्पीसीज के लिए वो प्रॉपरली रेजिस्टेंट होना चाहिए।
Now, David Tillman found that key plots with the less species showed the less year-to-year variation in the tropical biomass. अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जिस उनके आउटडोर प्लॉट एक्सपेरिमेंट्स में जिस प्लॉट्स के अंदर कम स्पेसीज होंगे वो शो करेंगे लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन द टोटल बायोमास प्रोडक्शन। लेस क्यों शो करेंगे? क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है तो उनकी वेरिएशंस ज्यादा आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट वन है कि इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू द हायर प्रोडक्टिविटी इन द कम्युनिटीज बट वाइस वर्सा इज नॉट ऑलवेज ट्रू। बिल्कुल सही है, डाइवर्सिटी बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी प्रोपोर्शनैलिटी में बढ़ती है, बट अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो डाइवर्सिटी प्रोपोर्शनैलिटी में नहीं बढ़ेगी बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो वहां स्पीसीज का डोमिनेंस शुरू हो जाता है एंड अगर वन स्पीसीज डोमिनेट कर रही है तो इट मे लीड to the elimination of other species. So this statement is correct. यहाँ पे इसने आंसर सी में इसमें बोला कि अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो करेक्ट स्टेटमेंट्स है 1, 3, 4 and 6, मतलब आपका 4 करेक्ट है, आपका 5 इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे लेस स्पीसीज की बार डेविड टिलमन ने नहीं बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इथाइलीन इट इज अ गैसियस हार्मोन included horizontal growth of the seedlings, बिल्कुल करेक्ट है, swelling of the axis, बिल्कुल करेक्ट है, and apical hook formation, ये भी करेक्ट है, इसको हम कहते हैं triple response, this is called as triple response, ये हो गया triple response. Identify the correct category of the plants affected by ethylene, which is a simple gaseous plant growth regulator. ये जो ट्रिपल रेस्पॉन्स जेनरेट हुआ है बिकॉज ऑफ द इथाइलीन, एनसीईआरटी किसको बोल रही है? क्या सारे प्लांट्स में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग्स होता है? क्या सारे प्लांट्स में स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस होता है? क्या सारे प्लांट्स में अपाइकल हुक फॉर्मेशन होता है? बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी ने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो वहां पे एनसीईआरटी ने एक सीड जर्मिनेशन का फिगर दिखाया हुआ है, आप उसको दोबारा से जाकर देखो, वहां पे उसने लेबलिंग में ट्रिपल रेस्पॉन्स दिखा रखा है। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द डाइकोट प्लांट्स, डाइकोट सीडलिंग्स के लिए एप्लीकेबल होता है, सबके लिए नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या बनता है? ए बनता है, बाकी किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नाउ द क्रूशियल इवेंट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन आर, एरोबिक रेस्पिरेशन के अगर हम क्रूशियल इवेंट्स की बात करें तो स्टेटमेंट नंबर वन कहता है द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स लिविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, करेक्ट है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट होगा तो स्टेप बाय स्टेप सारे हाइड्रोजन एटम्स हम पाइरूवेट से हटाएंगे और उन हाइड्रोजन एटम्स को विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम ऑक्सीजन को दे देंगे और जब हाइड्रोजन एटम्स ऑक्सीजन से मिलेंगे तो वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्टेप नंबर टू है कि पासिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विदाउट साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP, विदाउट गलत हो गया। अगर आपको लिविंग वर्ल्ड याद है तो लिविंग वर्ल्ड में आपको यह बताया गया है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस कभी भी सेल के अंदर नहीं हो सकते। सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो कपल्ड होते हैं, एक रिएक्शन हमेशा दूसरे रिएक्शन से रिलेट करती है। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स का, यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, प्रोटॉन कहीं और से आया, इलेक्ट्रॉन कहीं और से आया, दोनों मिल गए दोबारा से एंड हाइड्रोजन एटम का फॉर्मेशन हो गया, नाउ ऑक्सीजन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो इस प्रोसेस में क्या हुआ था कि जो प्रोटॉन कहीं और से आया था वहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके प्रोटॉन का ग्रेडियंट बना दिया गया था और घूम के फिर से इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक दूसरे के आपस में मिलकर वाटर बना लिए। इस प्रोटॉन के ग्रेडियंट को ब्रेक करके, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट या इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल कहते हैं, उसको ब्रेक करके ही ATP बनाई जाती है। सो देयर इज साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP, ना कि अलग। तो ये स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने 10 क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किया। आई कैन बेटर अंडरस्टैंड कि अब आपके लिए बहुत ज्यादा हो रहा होगा, योर टाइम इज रियली वेरी प्रीसियस। यहाँ पे एक मिनट की कीमत क्या होती है वो आपसे समझना चाहिए मुझे, कितने आप इस वक्त ज्यादा स्ट्रेस में गुजर रहे हो,
तो 2 सेकंड के लिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं अपने लिंक में डाल दे रहा हूं, वहां से आप डाउनलोड करो और कल के कल इसकी प्रैक्टिस करो। अगला पॉइंट ये है कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू इन दीज डेज। तो सिंपली मैं आपको बता दूं, अभी के लिए आप कुछ भी नया मत पढ़ना और आप सिर्फ वही पढ़ो जो अब तक आपने पढ़े थे, जो अब तक आपने पढ़ाई किया था। ये सारी बातें मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करता हूं। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। मैं पूरा पेपर आपको दे दूंगा। इफ आई फाइंड प्रॉपर टाइम देन आई विल एक्सप्लेन ऑल दोज क्वेश्चंस। अदरवाइज आपको सोल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड किया किया हुआ है, आप उसको प्रॉपर सॉल्व कर सकते हो। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रॉपर स्ट्रेटजी हाउ टू यूटिलाइज दीज 72 आवर्स, या फिर आप बोलो कि 48 आवर्स, 72 आवर्स या 48 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करना है, इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आता हूँ। दैट्स ऑल। हैव अ वेरी नाइस डे। विशिंग यू ऑल अ वेरी बेस्ट।